नमस्कार। 36वें राष्ट्रीय खेलों पर हमारे विशेष कार्यक्रम में आपका स्वागत है। मैं हूं सुचित्रा। राष्ट्रीय खेलों का आयोजन गुजरात में किया जा रहा है। ये खेल 7 साल लंबे अंतराल के बाद आयोजित किए जा रहे हैं। तो आइए शुरुआत करते हैं इस खास कार्यक्रम की। गुजरात में चल रहे 36वें राष्ट्रीय खेलों में आज महिलाओं के कयाक इवेंट में मध्य प्रदेश की शिखा चौहान ने स्वर्ण पदक अपने नाम किया। शिखा ने परफेक्ट एस्किमो रोल के साथ पहला स्थान हासिल किया। महिला फुटबॉल में तमिलनाडु ने कांस्य पदक प्राप्त किया। तमिलनाडु ने आसान मुकाबले में आसाम को 5-1 से शिकस्त दी। तमिलनाडु ने पहले हाफ में 2 और दूसरे हाफ में 3 गोल किए के बाद तय हो जाएगा। दोनों टीम गुजरात की चैंपियन ट्रायथलीट और विश्व स्तर पर देश का मान बढ़ाने वाली प्रगन्या मोहन राष्ट्रीय खेलों में भी चैंपियन बनकर सामने आई। प्रगन्या बर्मिंघम कॉमनवेल्थ गेम्स में भी देश का प्रतिनिधित्व कर चुकी हैं और अब उनका लक्ष्य पेरिस ओलंपिक में अपनी मौजूदगी दर्ज कराना है। साहस हिम्मत और हर कीमत पर अपना लक्ष्य को हासिल करने का दूसरा नाम गुजरात की ट्रायथलीट प्रज्ञा मोहन है, जिन्होंने बेहद कम समय में ट्रायथलन में अपने नाम का तहलका मचा दिया। प्रज्ञा का रुतबा राष्ट्रीय खेलों में भी दिखाई दिया, जहां उन्होंने प्रतियोगिता का स्वर्ण पदक अपने नाम किया। प्रज्ञा अपने प्रदर्शन से खुश हैं और वो अपने इस पदक की चमक को ओलंपिक के पोडियम पर देखना चाहती हैं। होम क्राउड के सामने गोल्ड फॉर गुजरात जीतने के लिए मुझे बहुत ही खुशी हो रही है। इसके साथ ही साथ बहुत ही कठिन था, काफ़ी कॉम्पिटिटर्स अच्छे थे। मैं स्विमिंग में 3rd निकली, फिर साइकिलिंग में मैंने अपनी लीड बनाई और फिर रनिंग में मैंने ख़त्म किया बहुत ही अच्छे मार्जिन से। मैं ऑलमोस्ट 6 मिनट आगे थी मेरी सेकेंड कॉम्पिटिटर से 1 घंटे के रेस में, तो वो बहुत ही अच्छा है। इससे मतलब पता चलता है कि मैं कितनी स्ट्रांग हूँ। तो एक बहुत ही अच्छा था बिल्डअप टू द नेशनल गेम्स, और इसके बाद आगे मैं ओलंपिक्स 2024 की तैयारी कर रही हूँ। ट्रायथलन के खेल में एथलीट को तैराकी, दौड़ और फिर साइकिलिंग में हिस्सा लेकर सबसे तेज फिनिश टाइमिंग के साथ सामने आना होता है। प्रज्ञा के पिता प्रताप मोहन, जो कि उनके कोच भी हैं, इस एथलीट के यहां तक पहुंचने के संघर्ष को बताना नहीं भूलते। जिस समय प्रज्ञा ने ट्रायथलन करने का डिसीजन लिया, उसके पहले वो स्विमिंग रनिंग करती थी, उसके कोचेस थे और उनके साथ करती थी। जब ट्रायथलन की बात आई और उसने चालू कर दिया, तब हमको सडनली रियलाइज हुआ कि ट्रायथलन के तो कोई कोचेस अहमदाबाद में तो थे ही नहीं, लेकिन इंडिया में भी हार्डली थे। तो फिर उसमें एक तरह से हम फंस गए थे। तो लेकिन फिर क्या हमने क्या कुछ किताबें मंगवाई, मैंने उन किताबों की पढ़ाई करी कि कैसे कोच करना है, और वो सब वर्कआउट करके हमने प्रज्ञा के ऊपर एक्सपेरिमेंट किया। उसने भी कोलैबोरेट किया उसमें कि भाई करते हैं ट्रायल एंड एरर हुए, काफ़ी गलतियाँ भी हुई थी उसमें, इंजरीज भी हो गई थी उसके साथ, लेकिन फिर भी हम उस चीज़ में बढ़ते रहे और हमें फिर और भी मटेरियल मिलने लगा धीरे धीरे। फिर कुछ कोचेस से बाहर के देशों में भी हमने बातें की, समझा, तो उसके हिसाब से फिर हमारी कोचिंग का जो लेवल और स्टैंडर्ड और क्वालिटी वो इम्प्रूव होता गया। ट्रायथलन की दुनिया में अलग पहचान रखने वाली प्रज्ञा मोहन के लिए सबसे बड़ी चुनौती चोट भी रही। साइकिलिंग के दौरान कई बार उन्हें दुर्घटना का सामना करना पड़ा, लेकिन ये कभी उनके हौसले को पस्त नहीं कर सका। पेरिस ओलंपिक के लिए खुद को तैयार करने में लगी इस ट्रायथलीट को मालूम है कि ओलंपिक में अपनी मौजूदगी दर्ज कराना आसान नहीं, क्योंकि ओलंपिक में इस खेल में खुद को सामने रखने के लिए टॉप 12 अंतर्राष्ट्रीय टूर्नामेंट्स में बेहतर टाइमिंग के साथ सामने रखना होता है। बहरहाल इन बातों के दबाव से इतर प्रज्ञा अपने लक्ष्य के प्रति अडिग हैं, और उनके लिए हर जीत उस टॉनिक की तरह है जो उनके आत्मविश्वास को बढ़ा देती है। तो इस हुनर और जज्बे को सलाम है जिसने मुश्किलों के आगे रुकना नहीं सीखा, बल्कि लगातार खुद को आगे बनाए रखा, और अब इस उभरती प्रतिभा का अगला लक्ष्य
पेरिस ओलंपिक है, जहां वो देश के लिए पदक जीतकर खुद को एक नया मुकाम देना चाहती हैं। कैमरामैन राहुल चोपड़ा के साथ मैं हूं गौरव कुमार, डीडी न्यूज गांधीनगर। यहां पर लेते हैं छोटा सा ब्रेक, देखते रहिए डीडी न्यूज। डर अब है किस बात का जब है साथ में नंबर वन आयशर 551। एक जानदार शानदार फाइव स्टार सीरीज ट्रैक्टर जो आपको हमेशा दे शुभ लाभ। ब्रेक के बाद स्वागत है। प्रज्ञा मोहन ट्रायथलीट होने के साथ साथ चार्टर्ड अकाउंटेंट भी हैं। प्रज्ञा का सपना है कि वो देश के लिए ओलंपिक में प्रतिनिधित्व करें। प्रज्ञा मोहन के साथ खास बात की हमारे संवाददाता गौरव कुमार ने। ट्रायथलीट हैं जिन्होंने ट्रायथलॉन के विश्व कप में हिस्सा लिया और इस वक्त वो हमारे साथ हैं। जी हाँ, उनका नाम है प्रज्ञा मोहन, जिन्होंने राष्ट्रीय खेलों में भी सफलता के झंडे गाड़ दिए हैं। प्रज्ञा, सबसे पहले तो आपको बधाई राष्ट्रीय खेलों में स्वर्ण पदक जीतने की। कितना मुश्किल रहा, कितनी चैलेंज रहा, क्या कुछ कहेंगी आप इस बारे में? मुझे बहुत ही अच्छा लग रहा है कि गुजरात में नेशनल गेम्स पहली बार हो रहे हैं और ये मेरा होम ग्राउंड है क्योंकि मैं गुजराती हूँ, और होम क्राउड के सामने गोल्ड फॉर गुजरात जीतने के लिए मुझे बहुत ही खुशी हो रही है। इसके साथ ही साथ बहुत ही कठिन था, काफ़ी कॉम्पिटिटर्स अच्छे थे। मैं स्विमिंग में थर्ड निकली, फिर साइकिलिंग में मैंने अपनी लीड बनाई और फिर रनिंग में मैंने ख़त्म किया बहुत ही अच्छे मार्जिन्स। एथलीट के लिए एक ही खेल में खुद को मांझ पाना शायद बहुत बड़ी बात होती है, लेकिन आप तीन गेम एक साथ खेलती हैं, तो ये कला आपके अंदर कहाँ से आई और इस तरफ झुकाव कैसे हुआ? तो मैं बचपन से ही, जब मेरे मम्मी पापा कहते हैं जब मैं 2.5 साल की थी, तब से मैंने स्विमिंग करना चालू कर दिया और स्विमिंग पूल मुझे बहुत पसंद था। जब मैं मिडिल स्कूल में आई तो मेरे स्कूल वालों ने मिनी मैराथन का ऑर्गेनाइज किया जो 5 किलोमीटर होती थी लड़कियों के लिए, तो वैसे मैं रनिंग के तरह आकर्षित हुई। मेरा ट्रायथलॉन एक्चुअली मोदी जी के वजह से चालू हुआ था। जब मोदी जी 2014 के इलेक्शंस के लिए तैयारी कर रहे थे तो 2013 में पूरे गुजरात में, जब वो हमारे चीफ मिनिस्टर थे तब मोदी जी, तो 2013 में गुजरात में बहुत इवेंट्स हो रहे थे, उसमें ही स्पोर्टिंग इवेंट्स भी हो रहे थे कल्चरल इवेंट्स के साथ। तो स्पोर्टिंग इवेंट में स्विमिंग हो रहा था, साइकिलिंग हो रहा था और रनिंग हो रहा था। तो जनवरी 2013 में 3 ऐसे वीकेंड्स थे जिसमें पहले वीकेंड में मैंने स्विमिंग में जीता, फिर दूसरे वीकेंड में साइकिलिंग में जीता और तीसरे वीकेंड में रनिंग में जीता। जिस वक्त पे आपने ये सब शुरू किया था उस वक्त पे ट्रायथलॉन को लेकर के इंडिया में उतनी ट्रेनिंग का कहने चाहिए शायद उस स्तर पे नहीं थी जिस स्तर पे आज है, तो उससे आप, उस चुनौती से आपने कैसे निपटा? तो मेरे फैमिली का पहले से ही, बचपन से ही बहुत सपोर्ट रहा है, और जब मैं 2013 में ट्रायथलॉन की तरफ मेरा थोड़ा झुकाव हुआ तो मेरे पापा जो एक IIT IIM बैकग्राउंड से बिलोंग करते हैं, उन्होंने तब इंटरनेट भी इतना अच्छा नहीं था, तो उन्होंने बुक्स मंगा मंगा के ट्रायथलॉन कैसे किया जाता है, उसकी ट्रेनिंग में क्या क्या लगता है, वो सीखा और मेरे ऊपर एक्सपेरिमेंट्स किए और वो ही आज तक मेरे कोच हैं, और तो मेरे फैमिली का बहुत ही ज़्यादा साथ है। कहीं ना कहीं हर एथलीट का जो टारगेट होता है वो ओलंपिक होता है, तो पेरिस ओलंपिक को लेकर के क्या कुछ तैयारी है? तो मेरी तैयारी बहुत ही अच्छी चल रही है और हमारे क्वालिफिकेशंस ऑलरेडी चालू हो गए हैं 2024 के लिए। हमारे स्पोर्ट में ट्रायथलॉन में वर्ल्ड रैंकिंग के हिसाब से सिलेक्शंस होते हैं, कोई कोटा सिस्टम नहीं है, तो मैं अपने वर्ल्ड रैंकिंग्स को इम्प्रूव करने की कोशिश कर रही हूँ ताकि मैं पहली ट्रायथलीट बन सकूँ एट द ओलंपिक गेम्स इन 2024। स्पोर्ट्स हब के तौर पर गुजरात उभर कर आ रहा है, क्या कहेंगे? तो हमारे स्टेट में 2010 से खेल महाकुंभ का आयोजन हो रहा है जो एक स्पोर्टिंग, मतलब नेशनल गेम्स का एक स्टेट लेवल वर्जन है, तो उसके वजह से हम लोगों ने देखा है कि काफ़ी एथलीट्स बाहर आ रहे हैं और नेशनल गेम्स का होना गुजरात में बहुत ही बड़ा बात है क्योंकि मैं आई एम श्योर कि काफ़ी यूथ जब एलीट एथलीट्स को देखते हैं कि उनके घर पर वो परफॉर्म कर रहे हैं, काफ़ी लोगों को इंस्पिरेशन बनेगी कि वो वैसे हो सके।
इसी के साथ मैं गुजरात गवर्नमेंट को अपलोड करनी चाहूँगी कि उन्होंने इतने कम समय में, 3 महीने के समय में जो 1 साल में नहीं हो पाता वो उन्होंने कर दिखाया है कि इतने सारे स्पोर्ट्स, 36 स्पोर्ट्स उन्होंने ऑर्गेनाइज किए इन सच अ शॉर्ट स्पैन ऑफ टाइम और बहुत ही अच्छे से ऑर्गेनाइज किए। चलिए आपने हमसे बात की, बहुत बहुत शुक्रिया। तो ये हैं ट्राई एथलीट प्रज्ञा मोहन, जिन्होंने अपने जीवन के अनुभव को भी बताया, कैसे उन्होंने सफलता की सीढ़ी हासिल की इसके बारे में भी अपने विचार जो हैं वो साझा किए, और साथ ही साथ इस बात को भी सामने रखा कि पेरिस ओलंपिक पर उनकी नज़र है जिसके लिए वो अपने आप को बिल्डअप अभी से कर रही हैं। कैमरामैन राहुल चोपड़ा के साथ मैं गौरव कुमार, डीडी न्यूज़ गांधीनगर। यहाँ पर लेते हैं एक और छोटा सा ब्रेक, देखते रहिए डीडी न्यूज़। डर अब है किस बात का जब है साथ में नंबर वन आयशर 551। एक जानदार शानदार फाइव स्टार सीरीज ट्रैक्टर जो आपको हमेशा दे शुभ लाभ। ब्रेक के बाद स्वागत है। 11 अक्टूबर से देश में अंडर 17 महिला फुटबॉल विश्व कप की शुरुआत होने जा रही है। इस प्रतियोगिता को लेकर उत्साह की तस्वीर गुजरात में चल रहे राष्ट्रीय खेलों में हिस्सा ले रही तमाम राज्यों की महिला फुटबॉल टीम के सदस्यों के बीच भी दिखाई दी। सभी ने एक स्वर में माना कि इस प्रतियोगिता का आयोजन देश में महिला फुटबॉल की तस्वीर को बदल देगा। पेश है गुजरात से हमारे संवाददाता गौरव कुमार की एक खास रिपोर्ट। 36वें राष्ट्रीय खेलों में मणिपुर की महिला फुटबॉल टीम ने असम पर 5-0 की शानदार जीत के साथ फाइनल में जगह बना ली है। टीम अपने अब तक के प्रदर्शन से खुश है, लेकिन यहां जीत और हार से बड़ा दोनों टीमों के लिए कुछ और भी है, और वो है 11 अक्टूबर से शुरू होने वाला अंडर 17 महिला फुटबॉल विश्व कप, जिसे लेकर इन खिलाड़ियों में जबरदस्त उत्साह है। इनका मानना है कि पहली बार महिला फुटबॉल को लेकर देश में हो रहे इस बड़े आयोजन का दूरगामी प्रभाव पड़ेगा। राष्ट्रीय खेलों में मणिपुर की ओर से खेल रही भारतीय महिला फुटबॉल टीम की खिलाड़ी बाला देवी अंडर 17 के आयोजन को देश में महिला फुटबॉल की बेहतरी की दिशा में एक बड़ा बदलाव मानती हैं। अंडर 17 वर्ल्ड कप डेफिनेटली अच्छा खेलेंगे, क्योंकि उन लोग टूर वगैरह जा चुका है और जो 11 जहां तक खेलने वाला है उन प्रैक्टिस कर चुका है, मैच खेल चुका है और टूर जा चुका है, तो उन लोग जो अदाफ टीम में करना है और कम्युनिकेशन करना है वो सारे चीज़ हो चुका है। तो 11 तारीख को स्टार्टिंग होने वाला है, तो ज़रूर मैं उम्मीद करती हूँ कि हमारा जो देश जो फैंस है उनको सपोर्ट करे। अभी इतना मालूम नहीं था कि वुमेन फुटबॉल इंडिया है, सिर्फ मेल फुटबॉल में ज़्यादा फोकस करती है, तो अभी अंडर 17 वुमेन वर्ल्ड कप होने वाला है, इसीलिए हर स्टेट में इतना अच्छा से वुमेन फुटबॉल डेवलपमेंट प्रोग्राम कर रहा है, ग्रास रूट डेवलपमेंट प्रोग्राम कर रहा है, खेलो इंडिया का लीग हो रहा है, तो हर स्टेट में इतना अच्छा प्रोसेस चल रहा है, तो अंडर 17 के बाद भी इतना अच्छा प्रोसेस होगा, डेवलपमेंट होगा इंडियन वुमेन फुटबॉल के लिए। वही कुछ का मानना है कि इस आयोजन से उनके खेल में गुणात्मक सुधार होगा जो उन्हें अपनी कमियों को दूर करने में सहायक होगा। वो तो बहुत फायदा है इंडिया के लिए, बहुत बहुत फायदा है, क्योंकि इंडिया टीम अभी वर्ल्ड कप फर्स्ट टाइम खेला है अंडर 17, वो तो बहुत अच्छा खेलेगा, वो लोग बाकी लोग भी देख के अच्छा खेल सकता है, उन लोगों को देख के बाकी प्लेयर भी बहुत अच्छा खेलेगा। ये हमारे लिए बहुत ही बड़ी बात है कि अंडर 17 वर्ल्ड कप हमारा इंडिया ऑर्गेनाइज कर रहा है, जिसके थ्रू हमें बाहर के टीमों के साथ खेलने का बहुत अच्छा मौका है ये हमारे लिए, और अगर जैसे जैसे बाहर की टीमें आएंगी उतना हमारा एक्सपीरियंस बढ़ेगा, उस तरीके से हम अपने आप को देखेंगे कि हमारा लेवल क्या है और उनका लेवल क्या है, तो इस तरीके से हम अपने गेम को भी देख सकते हैं कि किस तरीके से बाहर फॉरेन की कंट्रीज की टीमें प्लेइंग करते हैं ग्राउंड के अंदर, और हमारे अंदर क्या कमी है और उनसे क्या अच्छी क्वालिटीज हैं, इन दोनों का तालमेल हम बहुत अच्छे तरीके से कर सकते हैं। अंडर 17 महिला फुटबॉल विश्व कप में भारतीय टीम ग्रुप ए में मोरक्को, ब्राजील और अमेरिका के साथ है, ऐसे में चुनौती भी बड़ी है, लेकिन इसके साथ ही अनुभव की कसौटी पर जहां बहुत कुछ सीखने को मिलेगा, वहीं भविष्य के नए सितारों के लिए भी एक नई जमीन तैयार होगी। जाहिर तौर पर एक शुरुआत की जो जरूरत होती है वो शुरुआत हो चुकी है। पहले हमने देखा था कि किस तरह से अंडर 17 का बॉयज़ का टूर्नामेंट फुटबॉल का वर्ल्ड कप का खेला गया था, अब उसी की तर्ज पर अंडर 17 महिला फुटबॉल विश्व कप जो है वो आयोजित हो रहा है। ऐसे में देश को इसका कहीं ना कहीं फ़ायदा जो है वो ज़मीनी स्तर पर तो मिलेगा ही, साथ ही साथ भारतीय फुटबॉल को एक नई पहचान
और नए कलेवर के साथ सामने आने का मौका भी मिलेगा। कैमरामैन राहुल चोपड़ा के साथ मैं गौरव कुमार, डीडी न्यूज अहमदाबाद। यहां पर लेते हैं छोटा सा ब्रेक, देखते रहिए डीडी न्यूज। डर अब है किस बात का जब है साथ में नंबर वन आयशर 551। एक जानदार शानदार फाइव स्टार सीरीज ट्रैक्टर जो आपको हमेशा दे शुभ लाभ। ब्रेक के बाद स्वागत है। गुजरात में चल रहे 36वें राष्ट्रीय खेलों में महिला फुटबॉल स्पर्धा में मणिपुर की टीम की अहम सदस्य और भारतीय महिला फुटबॉल टीम की दिग्गज खिलाड़ी बाला देवी 11 अक्टूबर से शुरू होने वाले अंडर 17 महिला फुटबॉल विश्व कप के आयोजन को देश में महिला फुटबॉल की बेहतरी के लिए एक बड़ा कदम मान रही हैं। उन्होंने ये भी कहा कि ये प्रतियोगिता महिला फुटबॉलर्स के लिए अपनी प्रतिभा और क्षमता दिखाने के लिए एक आदर्श मंच के रूप में सामने है। बाला देवी से खास बात की हमारे संवाददाता गौरव कुमार ने। इस वक्त हमारे साथ भारतीय महिला फुटबॉल टीम का नामी चेहरा बाला देवी साथ में है। वुमेन फुटबॉल वर्ल्ड कप अंडर 17 का आयोजित होने जा रहा है, इसको लेकर के कितना ज्यादा एक उत्साह है और कैसा एक परिवर्तन जो है वो वुमेन फुटबॉल में खासतौर से इंडिया को देखते हुए देखने को मिलेगा? यस, हमारा जो इंडिया में पहले फुटबॉल क्या है इतना मालूम नहीं है हर जगह पे, अभी पता चलेगा इंडिया में वुमेन्स फुटबॉल खेल सकता है। तो डेफिनेटली हमारा जो अंडर 17 वर्ल्ड कप अभी सिलेक्शन में है उन लोग हमारा देश के लिए रोशन करेंगे और अपना होम टाउन में होम ग्राउंड में खेलने वाले हैं उन लोग बहुत जान लगा के खेलेंगे। नेशनल गेम्स की इम्पोर्टेंस को कैसे देखती हैं यहाँ से जो फुटबॉल की अगर स्पेशली बात करें तो कितने खिलाड़ी जो हैं उनको कितना कुछ एक जो सीख होती है वो मिलती है? नेशनल गेम्स के बाद ये स्टेप बाई स्टेप जरूर मिलेंगे और ये बहुत अपॉर्चुनिटी मिलता है कि हर प्लेयर को गोल लेता है और जो भी उनके एक्समैन है अपना अपना स्टेट का गवर्नमेंट उनको पैसा देता है और जरूरी है वो भी और मोटिवेशन करने के लिए और उनका भी एक करियर बनना है जॉब के लिए ढूंढना है ये सब गवर्नमेंट अपना स्टेट का गवर्नमेंट उनको देता है। तो ये हमारा वुमेन्स फुटबॉल के लिए और एनी डिसिप्लिन के लिए बहुत अच्छा स्टेप है हमारे लिए। बाला, कितना बड़ा एक ये कॉन्टेस्ट रहेगा इंडिया के लिहाज से अंडर 17 वुमेन फुटबॉल वर्ल्ड कप, आप इंडिया के कैंपेन को कहाँ जाता हुआ देख रही हैं इस वर्ल्ड कप में? देखिए, पहले तो फुटबॉल क्या है हर कोने में इतना मालूम नहीं है, अंडर 17 वर्ल्ड कप के बाद हमारे देश में अंडर 17 वर्ल्ड कप हमारे गर्ल्स हमारे वुमेन्स अच्छा खेल रहा है सबको जानेंगे। अगर खेलने की स्टेज वाइज बात करें तो आपको क्या लग रहा है कि कहां तक हमारी टीम जो है वो कम्पीट कर जाएगी, कहां तक पहुंच सकती है टीम? यस, ये अभी तो मैं बोल नहीं सकती हूँ लेकिन हमारा जो अंडर 17 जो बच्चे हैं अभी उन लोग हमारे देश के लिए रोशन करेंगे और अच्छा खेलेंगे। वाला, आपके बारे में पूछे, आप पहली प्लेयर हैं, वुमेन प्लेयर हैं फुटबॉल इंडिया की जिन्होंने ओवरसीज क्लब में खेला, रेंजर्स क्लब की ओर से खेल रही हैं, तो कैसे देख रही हैं अपने उस सफर को और उसके बारे में बताइए कि कितना ज्यादा वहाँ से कुछ सीखने को मिला आपको? यस, एक्सपीरियंस बहुत अच्छा था वहाँ पे, ऑफ द फिन एक्सपीरियंस बहुत अच्छा मिला है मुझे और खेलने का भी वहाँ पे कम्पिटिटिव बहुत अच्छा था। तो हम चाहते हो कि ऐसा इस तरीका का जो मैच है हम लोग को खेलना बहुत जरूरी है कि जो भी इंटरनेशनल में खेलना चाहते हो उनको भी पिकअप करने के लिए मौका मिलेंगे और अभी इंडिया में जो भी टूर्नामेंट हो रहा है उनको लॉन्ग टर्म टूर्नामेंट करने के लिए कोशिश करना चाहती हूँ और हम भी रिक्वेस्ट कर रही हूँ कि जितना भी फैंस है वुमेन्स फुटबॉल को सपोर्ट करें बताना चाहती हूँ। चलिए, आपने इनसे बात की, बहुत बहुत शुक्रिया। तो ये है भारतीय महिला फुटबॉल टीम की खिलाड़ी बाला देवी जिनका कहना है कि अंडर 17 का वुमेन फुटबॉल वर्ल्ड कप का देश में आयोजित होना देश में इसकी जड़ों को जो है महिला फुटबॉल की जो जड़ें हैं उसको मजबूती देगा। साथ ही साथ वो मान रही हैं कि भारतीय फुटबॉल जो है वो लगातार आगे बढ़ रहा है और कई और जो नए सितारे हैं वो भी जल्द ही सामने होंगे। कैमरामैन राहुल चोपड़ा के साथ मैं गौरव कुमार, डीडी न्यूज अहमदाबाद। यहाँ पर लेते हैं कुछ थोड़ा सा ब्रेक, देखते रहिए डीडी न्यूज। डर अब है किस बात का जब है साथ में नंबर वन आयशर 551। एक जानदार शानदार फाइव स्टार सीरीज ट्रैक्टर जो आपको हमेशा दे शुभ लाभ।
ब्रेक के बाद बात करते हैं लॉन बॉल की। बॉलिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया के महासचिव लोकिंदर सिंह का कहना है कि कॉमनवेल्थ खेलों में मिला पदक लॉन बॉल के खेल के लिए मील का पत्थर साबित हुआ है। उन्होंने कहा कि राष्ट्रमंडल खेलों में मिली अप्रत्याशित सफलता के बाद इस खेल को लेकर लोगों की रुचि काफी बढ़ी है। गुजरात में नेशनल गेम्स की धूम है और एक ऐसा गेम जो इस बार सबसे ज़्यादा सुर्खियों में रहा राष्ट्रमंडल खेलों में भी और उसको नेशनल गेम्स में भी इस बार जगह मिली, वो है लॉन बॉल। और इस पर बात करने के लिए लॉन बॉल के सेक्रेटरी लोकेंद्र सिंह साहब हमारे साथ मौजूद हैं। लोकेंद्र सिंह जी, हमने देखा बर्मिंघम में इस खेल ने जिस बुलंदी को छुआ, रातों रात लोगों की नज़र में आए खेल, नेशनल गेम्स में भी इसने जगह हासिल की, कितनी बड़ी उपलब्धि है और कितना फ़ायदा यंगस्टर्स को। जैसे कि आपने कहा कि कॉमनवेल्थ गेम्स में लॉन बॉल ने एकदम से जो है एक अपॉर्चुनिटी के तौर पे जो है इस इतिहास को रचा। आप हम अगर कॉमनवेल्थ की बात करें तो हमारी विमेंस जो है वो गोल्ड लेके आए और मेंस जो है वो अपना सिल्वर लेके आए, तो इट्स अ वेरी बिग अपॉर्चुनिटी। और ऑल ऑफ अ सडन लॉन बॉल को एक जो है एक दिशा मिली, एक नया रूप देखने को मिला। और मुझे लगता है कि नेशनल गेम्स में आने के बाद, कॉमनवेल्थ से नेशनल गेम्स में आने के बाद, लॉन बॉल एक उस लेवल पे आ चुका है जहाँ पे कि लॉन बॉल एक स्पॉट नहीं, एक करियर अपॉर्चुनिटी के तौर पे जो है इसको देखा जा सकता है। इस बार कितनी टीमें पार्टिसिपेट कर रही हैं, कितने पार्टिसिपेशंस हमारे पास आए, कई नए लोग जुड़ना चाह रहे थे, कौन कौन से स्टेट्स की रिकमेंडेशन आई? अगर मैं नेशनल गेम्स की बात करूं मुकेश जी, हमारे पास टोटल 8 पार्टिसिपेशंस है स्टेट की अभी, जिसमें से एक हमारी न्यूली अफिलिएटेड स्टेट है गुजरात बोलिंग एसोसिएशन, और हमारे पास टोटल 96 एथलीट्स जो है इस वक्त पार्टिसिपेट कर रहे हैं नेशनल गेम्स में, और हमारे पास टोटल 22 जो है स्टेट अफिलिएशन टेक्निकल ऑफिशियल्स है। मैं बात करता हूँ नए स्टेट यू नो एसोसिएशंस की, तो आई थिंक देयर इज़ अ ग्रेट बूम, और मुझे लगता है कि एंटायर डे आई गेट अ लॉट ऑफ मैनी ईमेल्स कॉल्स, जो स्टेट्स हमारे से जुड़ना चाहती है, जो स्पोर्ट्स में उनकी पर्टिकुलर स्टेट्स में पोटेंशियल देखते हैं, वो स्पोर्ट्स को आगे ले जाना चाहते हैं, वो इस यू नो खेल में जो है बच्चों को लाना चाहते हैं। खेल ने जब राष्ट्रमंडल खेलों में ऊंचाइयों को छुआ, हमारी लड़कियों ने इतना अच्छा प्रदर्शन किया, मेल्स ने इतना अच्छा प्रदर्शन किया, देश के प्रधानमंत्री खुद जुड़े, कितना बड़ा ऑनर है, कितनी प्रेस्टीज की बात है। ये सर्टनली एक बिग अपॉर्चुनिटी है कि यू नो बिग नेम्स, हमारे ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर ने मेडल सेरेमनी में, अफिलिएशन सेरेमनी में, ही टुक द लॉन बॉल नेम एंड ही स्पोक अबाउट लॉन बॉल, एंड उन्होंने हमारी एक एथलीट के साथ भी इंटरेक्ट किया, मिस लवली चौबे के साथ। उसके बाद ट्वीट्स आना जैसे कि आनंद महिंद्रा जी से, सचिन तेंदुलकर जी से, आई थिंक इट्स सर्टनली अ यू नो ग्रेट ऑनर फॉर अस के जो काफ़ी बड़े लोग हैं, चाहे वो अपने इंडस्ट्रियलिस्ट हो, ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर हो, उसके बाद हमें कपिल शर्मा के शो पर भी इन्वाइट किया गया। सो आई थिंक वी गॉट अ डिफरेंट स्टेजेस एंड डिफरेंट अपॉर्चुनिटीज, एंड आई एम श्योर दैट ऑल टुगेदर ऑल ऑफ दिस इज गोइंग टू बूम द लॉन बॉल इन इंडिया। बड़े सारे यंगस्टर्स का एक परसेप्शन चेंज हुआ है कि वो हर फील्ड में जाना चाहता है, हर एक नई चीज को ट्राई करना चाहता है, तो लॉन बॉल भी ऐसा गेम है जिसको ट्राई करेगा। सर्टनली हम एक कोट कहते थे कि पढ़ोगे लिखोगे बनोगे नवाब, खेलोगे कूदोगे बनोगे बेकार, बट आई थिंक द एंटायर कॉन्सेप्ट हैज चेंज्ड। लाइक आई सेड दैट फिजिक्स मैथ केमिस्ट्री इज द इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट, पैरेलली आई से दैट स्पोर्ट्स एंड फिजिकल एजुकेशन इज द इंपॉर्टेंट थिंग, क्योंकि अब लोगों ने देखा है कि स्पोर्ट्स जस्ट एक खेलने के लिए नहीं है, देयर आर लॉट ऑफ अपॉर्चुनिटीज, आप स्पोर्ट्स में अपना करियर डेवलप कर सकते हो, आपको ओवरऑल खुद की फिटनेस मिलती है। सो आई थिंक यंगस्टर्स के लिए एक बहुत अच्छा मैसेज है कि आपको स्टडीज के साथ साथ, एकेडमिक के साथ साथ, स्पोर्ट्स इज अनदर अपॉर्चुनिटी। सो मच टू टॉकिंग टू अस। तो ये थे लोकेंद्र सिंह जो बता रहे थे कि कितना फायदा हुआ है, कितना ग्रूम आया है इस खेल में और कितना बूम आया है, और इसकी साफ झलक नेशनल गेम्स में भी देखने को मिल रही है, पार्टिसिपेशंस भी बढ़े हैं और निश्चित तौर पर ये सिलसिला आगे बढ़ता रहेगा। कैमरा विनय के साथ मैं मुकेश शुक्ला, डीडी न्यूज अहमदाबाद। तो राष्ट्रीय खेलों पर हमारे इस खास कार्यक्रम में फिलहाल इतना ही, हमारी पूरी टीम को दीजिए इजाजत, नमस्कार।